में कि आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। बल्ले 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 बल्ले, 5,000 एक्स्ट्रा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि ऑल गुड एंड वेल। मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। रमजान का महीना चल रहा है तो छुट्टी बहुत, मतलब ड्यूटी आर्स जो पहले 14 घंटे के बदले मुझे 7 से 9 घंटे काम करने पड़ रहे, तो बाकायदा बहुत अच्छा टाइम मिल जा रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। तो इसी दौरान मैं आज लेके आया हूँ एक प्यारा सा टॉपिक जिसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से आप लोग है ना इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर तो लोग है ना कमेंट भर भर के कर रहे थे कि क्या ये ट्रू है बॉस, क्या ये सही में कंपनी देती है या देती भी है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कहानी बता रहा है। जी हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक रीज़न है। कंपनी आपको हर महीने 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है। माई गॉड, क्लैप हो जाए क्लैप हो जाए। जी हाँ, कंपनी हर महीने आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है। बाप रे, आप सोच भी नहीं सकते क्यों दे रही है। 5,000 रुपया का करेंसी होता है और यहाँ पर हर महीने 20 KD एक्स्ट्रा दे रही है, मगर क्यों दे रही है? हाँ, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा क्या है, क्या सिनारियो है। और कि एक ने तो फारूक मलिक भाई ने पूछा था सच में ट्रू है कि नहीं। आई थिंक वो जान गए होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो गुड वेल डन बडी, आप यहाँ पर हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है, वर्किंग आवर्स क्या है, ओवर टाइम कैसे मिलता है, छुट्टी का क्या सिनारियो है। तो धीरे धीरे आपको कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि क्या 20 KD हर महीने मिलता है, इट इज़ राइट और इज इट ट्रू? जी हाँ, भर भर के कंपनी आपको देगी, एवरी मंथ देगी, बट कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी। देख लो मेरा ये सैलरी स्लिप जहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कमिटमेंट रिवॉर्ड 20 KD। तो कमिटमेंट रिवॉर्ड 20 KD हर महीने हम सभी को मिलने वाला है जो मेरे कंपनी में आ रहा है, कुवैत में काउट फूड ग्रुप ऑफ कंपनी में। तो इसका सीन क्या है भाई साहब, यहाँ पे ना आपको कमिटमेंट करना है कि आप है ना 2 साल तक वापस अपने देश नहीं जाओगे, अपने मुल्क नहीं जाओगे। तो ये सीन आ गया, तब जाके आपको 20 KD एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप ब्रेक द रूल, अगर आप रूल को ब्रेक करते हो तो आपको जो हर महीने 20 KD दिया जा रहा था वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, समझ रहे हो? इनके सिनारियों में कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, आप जाना चाहते हो तो आपसे वापस ले लिया जाएगा, 20 KD आपकी सैलरी से कट कर दिया जाएगा, वॉट एवर इनका जो प्रोसेस है। मगर हाँ, ये 20 KD इसलिए मिल रहा है कि आप 2 साल तक हमारे साथ में ही जुड़े रहे, 2 साल के पहले जाने का नाम ना ले। हर महीने 5,000 रुपया हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। ओह दैट गुड। हाँ, जो अभी शादीशुदा नहीं है या फिर जो अभी इंजॉय करके आए अपनी लाइफ को इंडिया में, आप सोचते हैं कि यार 2 साल जम के कमा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोगों को 1 साल बाद जाना है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब, आपको नहीं मिलेगा। सो डोंट डू दैट कि आ रहे हो तो यार कमाओ 2 साल, उसके बाद में जाते 2 साल में बड़ा अमाउंट लेके बल्क, ऐसा मतलब बल्कि अमाउंट लगेगा कि आप भाई साहब आप छाप के आ रहे हो गड्डी, तो फिर अच्छा लगेगा। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पर लाइफ स्टाइल नहीं है, यहाँ पे ओनली बस पैसा पैसा है, पैसा ही पैसा हो गया। तो लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो पैसा दबा के कमा सकते हो, आप लखपति क्या करोड़पति भी बन सकते हो। यहाँ पे लोग है ना, एक आदमी है जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं, भाई साहब पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर कुवैत में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी में अभी फ़िलहाल 2-4 साल से जुड़े होंगे, बट पिछले 28 साल से हैं और उनका काफ़ी अच्छा खासा बंगलो भी बना रखा है गुजरात में। तो समझ रहे हो इतना पोटेंशियल है। हाँ, पता है कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करके, जब तक जान है शरीर में साला तब तक मेहनत करेंगे, तब जाके कुछ अमाउंट तक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मगर ये यूट्यूब है, अगर जो यूट्यूब करना चाहता है ये एक टाइम पे आपको बहुत सारा अच्छा अमाउंट देगा, तो इतना गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोओगे, आपकी वीडियो आपको कमा के देगी।
चलो ये बात अलग करते हैं, आप उन आते हैं कुवैत में अभी रहते हैं, मैं क्यों आ गया, फिर सब लोग बोलेंगे भैया मैं भी कुवैत में आया हूँ पैसे कमाने के लिए, मेरी गरीबी दूर करने के लिए, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस एंड कैमरा से बात करने का एक अलग ही अंदाज रहा है पिछले 3 से 4 सालों में। सो मुझे ये भी एक्सप्लोर करना था, मैं यूट्यूब को एज अ हसल ले रहा हूँ, एज अ साइड टाइम ले रहा हूँ, एज अ पार्ट टाइम ले रहा हूँ, और यूट्यूब मेरे लिए एक पैशन है। अगर उसे मुझे कहाँ मिल रहा है अभी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इट्स जस्ट लाइक आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस माई मेमोरी कि मैं कहाँ कहाँ पर गया था, मैंने किसके साथ में कितना मस्ती किया है, अपनी फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली वाले के साथ में, किससे किससे मिला, न्यू कल्चर क्या सीखा। तो इट इज ऑल अबाउट आई एम कैप्चरिंग ऑल माई क्रिएटिविटी इन दिस कैमरा। सो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैंने अभी तक किसी चीज़ का लालच नहीं किया कि यार अरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। अरे आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, इवन दो मेरे 1000 क्रॉस होने में, मतलब पार करने में इतनी मुश्किल हो रही थी, और 1000 पार हो के 100 भी पहुंचने वाला, उसमें कुछ मुश्किल ही नहीं लगा मेरे को, और मैंने उसमें के ऊपर अब्दो भी नहीं किया, बाप रे। तो ये मेरे लिए प्लस बेनिफिट है। तो बात करते हैं एक और। हाँ, एक बंदे ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि भाई साहब शशिकांत सुनो, अगर इन केस मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे जाना पड़ जाएगा या तो फिर क्या होगा। तो भाई साहब आपको जब जाना पड़ेगा ना, आपको, जी हाँ आपको 500 KD का जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसे कहते हैं फाइन। तो आपको कंपनी को 500 KD का जुर्माना भरना पड़ेगा तब आप जा सकते हो। बताऊँ क्यों? क्योंकि कंपनी आपको लेके आ रही है आपके वहाँ से, टिकट का खर्चा कर रही है, वीज़ा दे रही है, अब बीच में उनका काम बिना किए ही आप जाओगे तो कुछ तो उनका भी, मतलब जो पैसे इतने तुम्हारे पीछे खर्चा कर रही है, तुम्हें सैलरी दे रही है आते वक्त, तुम काम भी नहीं करो तो भी तुम्हें सैलरी मिल रहा है, इतना सारा सब कुछ खर्चा हो रहा है एक बंदे को उसके देश से उठाने के लिए, तो समझ रहे हो क्या सीन है। तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, 500 KD का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि इंडिया करेंसी में 125,000 के आसपास होता है, समझ रहे हो। बेटर कि आइए यार 2 साल काम करिए, जम के कमाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो और 2 साल का बढ़ा लीजिए, अच्छा लगता है तो और 2 साल का बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे भी यही कहा गया है कि यार एक बार आप आ जाओगे ये कंपनी को आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। एज आई कैन सी हियर इज़ वन माई स्टाफ फ्रॉम नेपाल, एंड यू नो कि भाई साहब उसने 10 साल खाली वही, उसको ना बोलता है मेरे को पोजीशन भी नहीं चाहिए, मैनेजर भी नहीं बनना है, कुछ नहीं, आई वांट टू वर्क लाइक अ टीम मेंबर ओनली, क्योंकि जितना सैलरी वो नेपाल और इंडिया में नहीं कमा पाएगा ना, उससे ज़्यादा सैलरी वो यहाँ पे उठा रहा है, मतलब नेपाल और इंडिया में एवरेज सैलरी चल रहा है 18,000, 22,000, 25,000, और ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस है तो 30,000, उससे ज़्यादा नहीं। भाई साहब आप 50,000 से 60,000, 70,000 आप यहीं पर छाप दे रहे हो, तो क्यों छोड़ के जाऊँ, और वहाँ पर इतना एक्सपेंसिव, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो यही सीन है, मेरे को भी पूछा गया तू जाएगा, मैंने बोला भाई अभी कुछ सोचा नहीं है, 2 साल जब बीतेंगे तब हम बताएंगे कि आगे का क्या प्रॉब्लम है। अगर पहले से मैं अपना डिफाइन बता दूं तो शायद से मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, सो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। बाकी सब बढ़िया है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो में कि आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, बल्ले 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 बल्ले, तो पहली बात तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, खुश हो जाइए और दबा के काम करिए, 50,000 से 60,000 तुम्हारी सैलरी बन जाएगी आराम से, 20,000 तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, 40,000 सेफ कर लोगे। अगर ओवर टाइम नहीं मिलता है तो आपको 40,000 ही मिलने वाला है, 40,000 में से आप 15,000 खर्चा कर दोगे तो बचेगा 25,000 तुम इंडिया में भी कमा सकते थे, सोचो क्यों आया। तो यहाँ पे प्लस बेनिफिट है, एवरी स्टाफ, इंटायर स्टाफ को है ना ओवर टाइम मिलता है, इवन दो मैनेजर ऑल्सो वर्किंग ओवर टाइम, मगर मैनेजर है ना ज़्यादा ओवरटाइम नहीं करते क्योंकि स्टाफ ही उतना ओवरटाइम कर रहा है, सारा काम स्टाफ कर ले रहा है, तो मैनेजर दे उनको, उनका जो काम है वो कर रहा है, तो 9 घंटे मगर करना ही है तभी जाके उनका सैलरी आएगा। तो ये बात बहुत अच्छा है। हाँ, सब लोग बोल रहे थे प्रमोशन कितने टाइम में होता है, भैया यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ में, फोकस के साथ में काम करेंगे, आपको एवरीथिंग नॉलेज होगा, तो आपको मैनेजर, आपका रेस्टोरेंट मैनेजर आपको है ना भेजेगा एग्जाम में, जहाँ पे आप एग्जाम क्रैक करोगे तब जाके आपको एज अ सिर्फ मैनेजर का, यहाँ पे टीम लीडर नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ मैनेजर है, सिर्फ मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को नहीं जाना है टीम मेंबर में, क्योंकि मैनेजर पे आने के बाद में टीम मेंबर का जो वर्कलोड है वो खाली फिजिकल वर्कलोड है, और जो मैनेजर का वर्कलोड है वो मेंटली वर्कलोड है,
ये कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा एक्सपायर हो रहा है, कौन सा अगले महीने मंगाना है, क्या करना है, कौन सा रिसीविंग करना है, कौन, अरे मतलब बहुत सारा यहाँ पे टेंशन बढ़ जाता है। सो मेरे दिमाग में ऑलरेडी यूट्यूब का टेंशन, ये वीडियो क्रिएट करना का टेंशन, यूट्यूब अपनी लाइफ को बराबर से स्मूथली चलाने का टेंशन। तो मेरे को और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी इन टीम मेंबर आने का, अपना काम करने का, जो भी गलत गलत निकला वो एवरीथिंग डिपेंड ऑन मैनेजर, वो उसको चेक करना है, बट खुद को भी नॉलेज होना चाहिए। तो इतना नॉलेज तो है अपने पास में, बट ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए मेरे को, नॉर्मल लाइफ में, लाइफ नॉर्मल रह के और ज़्यादा अचीव करना है, बट ये वाला मेंटल प्रेशर बहुत ही कम चाहिए। तो इसकी वजह से आई डोंट वांट टू बी एज अ मैनेजर, मेरे को नहीं चाहिए, पहले सोचा था बिकम अ मैनेजर ये वो, बट नहीं, अपन यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो इधर से खुलूस आ रहा है, मेरा घर का खर्चा चल रहा है, ये मेरा पैशन पूरा हो रहा है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं, बस गुड इनफ। आगे अपन देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं, वो बात की बात है, तब बाकी सब बढ़िया है। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप आ रहे हो मेरी वीडियो देख के, अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो आ रहा है यहाँ पे आके, एक बार मिलना जरूर यार, सो दैट आई कैन टेक अ वीडियो, आई कैन मेक अ वीडियो विथ यू एंड आई कैन एक्सप्लेन टू अदर ऑडियंस, और फिर बाद में उन लोग के पास में भी पहुँचेगा तो मज़ा आएगा कि यार हाँ जेन्युइन बंदे आ रहे हैं यहाँ पर और मैंने शशिकांत जी से मिला है। सो मेरी भी ख्वाहिश है यार, एक आध दो जन मिलो यार, इतने लोग आ गए कोई मिल ही नहीं रहा है। एक का बंदे का मैं मिलने वाला हूँ, हाँ एक ने मैसेज किया था, मिस्टर रजा ने, तो वो ब्लॉक मेरे बाजू वाले विला में रहते हैं, तो मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है, तो मेरी छुट्टी के दिन मैं जाने वाला हूँ और भाई साहब से मिलने वाला हूँ और थैंक यू सो मच बोलने वाला हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने मेरा एक काम भी कर दिया, क्या बताऊँ आपको, मेरे लिए मेडिसिन ला दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेडिसिन काय की होगी, कभी कभी सर दुखता है तो मेरे पास में मेरी मेडिसिन ख़त्म हो रखी है इसकी वजह से, और कभी कभी रात में एडिट करते समय आँख से पानी आता है तो उसकी वजह से सर पकड़ लेता है, तो समझ रहे हो ना। तो आप भी अपने साथ में मेडिसिन कैरी करना इनकेस कभी कुछ हो तो, यहाँ पे सारी मेडिसिन बहुत महंगी मिलती हैं, तो अपने बाद में कैरी करना। तब तक वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी भी नहीं आए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से घंटा बजा दो यार, क्या दिक्कत है। और हाँ, इंस्टाग्राम का नेम है, जाके फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब है भेजो, अगर हमें जो पता रहेगा तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी सब बढ़िया है, यहाँ पे अच्छी लाइफ चल रही है, मतलब यहाँ पे आने के बाद में सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ये याद रखना, तो ये अलग सा एक एनर्जी आता है और आपको बॉडी मूवमेंट होता है, बाकी सब बढ़िया है। चलो, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, दिल से यार, बाय बाय, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। तो 5000 एक बाय, तो बाय बाय।